तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, स्पेशली क्लास टेंथ वालों के लिए आज के इस वीडियो में मैं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी उर्दू के बुक से क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा रही हूँ। वीडियो मस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ कर याद करना है, हो सके तो आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितने भी आप लोगों के छोटे बड़े भाई बहन हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है चाहो तो शेयर कर दे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला सवाल है कि कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। देखिए कमर जहाँ से सबसे पहला सवाल पूछा गया है, इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में लिखना है, इनके हालात ज़िंदगी पर या इनकी ज़िंदगी के हालात पर 5 सेंटेंस लिखना है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की थी, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की थी और उसके बाद से इनका इंतकाल कब हुआ। ठीक है, तो ये आप लोगों को लंबा चौड़ा लिख देना है कमर जहाँ के बारे में, जो कि एक औरत है। तो चलिए देखिए जवाब में लिखा गया है कि कमर जहाँ 1951-52 में समस्तीपुर के एक गांव बुजुर्ग द्वार में पैदा हुई। रिवायती तालीम के बाद पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA और PhD किया। 1966 से अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। सुंदरवती कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू की लेक्चरर हुई और तरक्की करते हुए शोबे उर्दू भागलपुर की सदर शोबे उर्दू हुई, यानी कि प्रेसिडेंट बनाई गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टफ़ लफ्ज़ का यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, बहुत ही सिंपल आसान लफ्ज़ का यूज़ करते हुए जवाब लिखा गया है। आप लोग चाहें तो इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं और अगर इसको आप अपने कॉपी में लिखे बिना अपने डायरेक्ट माइंड में ही याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा आंसर भी नहीं है, छोटा आंसर है और सादा लफ्ज़ का यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की कहानी फ़रार का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो मोहम्मद मोहसिन माहिर नफ्सियात थे, वह इस कहानी के हवाले से ये कहना चाहते थे कि घर का माहौल ख़राब हो तो घर का बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है और घरेलू ज़िंदगी से फ़रार का रास्ता इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की कहानी फ़रार का मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी कि इस फ़रार नाम की कहानी के ज़रिए लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है, लेखक जो है ना वो क्या बताना चाहते हैं। तो वही यहाँ पर जवाब में लिख दिया गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो एक नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर थे और उनकी ये जो कहानी है फ़रार, इसमें वो कहना चाहते हैं कि घर का माहौल अगर ख़राब हो तो घर का बच्चा जो है ना वो अबनॉर्मल, यहाँ पर एबनॉर्मल या फिर अबनॉर्मल, ठीक है, तो एबनॉर्मल हो जाता है यानी कि असाधारण हो जाता है। जिस तरीके से उसका पालन पोषण होता है ना, ख़राब माहौल में अगर पालन पोषण होगा तो उसका उसी तरीके से परोश होने के साथ साथ बड़ा होकर भी उसका जो चाल ढाल है उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि घर का माहौल अगर ख़राब हो तो घर का बच्चा जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाता है यानी कि साधारण हो जाता है और घरेलू ज़िंदगी से फ़रार का रास्ता इख्तियार कर लेता है। और फ़रार नाम की कहानी में तो ये दिखा ही दिया गया है कि वो जो महमूद रहता है उसके घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, उसकी माँ अपने हस्बैंड पर दबदबा जमाती है और उसके बाद से जो है ना महमूद अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता है और इस उसके जहन में एक बात बैठ जाती है कि औरतें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से वही घर का माहौल ख़राब होने की वजह से ही उसके ज़िंदगी पर जो है ना उसका बहुत ही बड़ा असर देखने को मिलता है, यानी कि महमूद एक एबनॉर्मल बच्चा हो जाता है, उसको औरतों से डर लगने लगता है और ज़िंदगी में फ़रार का रास्ता अपनाता है, यानी कि जब उसकी शादी होने जाती है तो वहाँ पर जो है ना बेहोश हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि उसने कभी बोलना सीखा ना हो, सिर्फ एक साथ ढेर सारी औरतों को देखकर उसके साथ ये हालत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि कमर जहाँ की कहानी कटी हुई शाख में किस सामाजिक मसले की निशानदेही की गई है। तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि इस कहानी में कहा गया है कि इंसान दौलत कमाने की हवस में जन्नत निशा वतन को छोड़कर अरब ईरान और अमेरिका चला जाता है, मगर वह ज़िंदगी उसे रास नहीं आती, एक न एक दिन उसे अपने वतन वापस लौटना ही पड़ता है। तो यहाँ पर
कटी हुई शाख इस कहानी के ज़रिए जो है ना यही बताने की कोशिश की गई है कि इंसान जो है ना दौलत कमाने के लिए हवस में अपने वतन को छोड़कर चला जाता है, अरब, ईरान, अमेरिका वगैरह चला जाता है, लेकिन वह ज़िंदगी उसको रास नहीं आती है। उसको लगता है कि ये रोबोट की दुनिया है जहाँ पर लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। तो इस वजह से एक ना एक दिन उसे अपने वतन वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि जो प्यार मोहब्बत मिलती है ना, जो अपनापन मिलता है, वो गांव के अपने लोगों के वजह अपने लोगों से ही मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो देखिए, जवाब में लिखा गया है कि ज़ेर निसाब अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार महमूद है। 10 साल की उम्र में ही उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है और चंद साल के बाद माँ की भी वफात हो जाती है। हुसूल तालीम के लिए हॉस्टल में रहने लगता है और वह दूसरे तालिब इल्मों के बरक्स एक मिसाली तालिब इल्म बनकर हॉस्टल में दिन गुजारना चाहता है। कभी कभी दोस्तों के साथ तफरी और सैर के लिए भी चला जाया करता है। हुसूल तालीम के बाद उसे एक अच्छी मुलाजमत मिल जाती है। बचपन से ही लाशऊरी तौर पर एक नफसियाती उलझन का शिकार हो जाता है, यानी कि तालीम हासिल करने के बाद उसे एक अच्छी मुलाजमत यानी कि नौकरी मिल जाती है और बचपन से ही लाशऊरी के तौर पर एक नफसियाती उलझन का शिकार हो जाता है। मर्द पर औरतों की हुक्मरानी और दबाव उसके लाशऊर में हैजान बरपा करता रहता है, इसलिए उसकी अजदवाजी ज़िंदगी भी अधूरी और नामुकम्मल होकर रह गई थी। ये होता है महमूद के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ज़बीदा कौन थी और उसकी शादी के दिन कौन सा हादसा रूनमा हुआ। तो ज़बीदा एक दोशेज़ा थी, उसने मैट्रिक पास कर लिया था। महमूद उससे शादी करने पर आमादा हो गया था, हालांकि वह औरत के वजूद से खौफज़दा रहता था। चुनांचे वह ससुराल पहुंचा तो अचानक अनजाना सा खौफ उस पर तारी हो गया। उसकी हालत बदलने लगी, उसका सारा जिस्म कांप रहा था और ज़ुबान एकदम से बंद हो गई। शादी के घर में एक हंगामा बरपा हो गया। महमूद के दोस्त ज़बीदा के वालिदैन और सारे लोग कोशिश करके थक गए, मगर महमूद की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। यह बीमारी नहीं थी, वह तो सिर्फ औरत से मिलने या शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पा रहा था, बल्कि फ़रार का रास्ता अपना चुका था। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। टीचिंग सर्विसेज आप यूँ कह सकते हैं कि। तो जवाब में लिखा गया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उन्होंने तवील मुद्दत तक पटना यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़रज़ अंजाम दिए। नफ्सियात के प्रोफेसर की हैसियत से मुल्क में उनकी एक पहचान थी। 1938 ईस्वी में पहली बार आर्जी तौर पर पटना कॉलेज में नफ्सियात के लेक्चरर बहाल हुए थे। पहली बार 1938 में ये नफ्सियात के प्रोफेसर जो है ना सॉरी नफ्सियात के लेक्चरर बहाल हुए थे। फिर मुस्तकल तौर पर ये शोबे नफ्सियात पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए और 1953 ईस्वी में तरक्की पाकर सदर शोबे नफ्सियात हुए। तदरीसी खिदमात अंजाम देते हुए 1974 ईस्वी में उस अहदे से सुबुकदोश हुए, यानी कि उनका रिटायरमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आशियाना का मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी आशियाना इस कहानी के ज़रिए लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, जवाब में लिखा गया है कि हम बूढ़े हो या जवान, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने सपनों का ताजमहल बनाते हैं और अपने घर की चार दीवारी के अंदर तनहा हुक्मरानी करना चाहते हैं। इसमें किसी और की मुदाखलत हमें मंजूर नहीं। यही है आशियाना का मरकज़ी ख्याल, यानी कि इसी के ज़रिए मतलब आशियाना कहानी के ज़रिए यही बात बताने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद खान ने रयाकारी से बचे रहने के लिए कौन से तरीके बताए हैं। रयाकारी से बचने के लिए क्या तरीके बताए हैं सर सैयद अहमद खान, ज़रा देखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि सर सैयद कहते हैं, भला क्या है और बुरा क्या है यह मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले कुरान का मुताला करना चाहिए, उसके बाद सुन्नत रसूल पर अमल करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों की झूठी तारीफ से खुश होने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि वह अच्छाइयाँ मेरे अंदर मौजूद है या नहीं। और सबसे उम्दा तरीका यह है कि दुश्मनों की नुक्ताचीनी का जायज़ा लिया जाए और ख़ुद को उनके बुरे कामों से बचाया जाए, जिसका एहसास दुश्मनों ने दिलाया है, क्योंकि हमारा दुश्मन ही हमारी खराबियों को बेहतर तरीके से उजागर कर सकता है। ये हो गया आंसर। अगला सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। यहाँ पर जवाब में लिखा गया है कि अब्दुल मुगनी उर्दू तनकीद में एक मुअब्बर नाम है। उनकी किताबों के मुताले के बाद उनका जो तनकीदी नुक्ते नज़र हमारे सामने आता है उसमें अदब की खारजी हैयत और फ़नी लवाजमात से ज़्यादा अहमियत अदब में पेश करदा इसलाखी कदरों को दी गई है।
जो तज़ईन और तरतीब में मुआवन साबित होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद अखलाकी इक़दार के अलमबरदार है। ये हो गया आंसर। अफसाना भाभी जान के किसी तीन किरदार का नाम लिखिए। किसी तीन किरदार का नाम लिख देना है भाभी जान नाम की इस कहानी का, तो सबसे पहला किरदार का नाम है अख्तर, दूसरा का नाम है रुकैया भाभी और तीसरा का नाम है शम्मी। ये तीन कैरेक्टर का नाम लिख देना है, बस आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आगा हशर काश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो आगा हशर काश्मीरी उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार हैं। उन्हें उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने उसरी ज़िंदगी की हकीकतों को अपने ड्रामे का मौजू बनाया। जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ आगा हशर से ही शुरू होता है। यहूदी की लड़की और रुस्तम और सहराब उनका ही शाहकार ड्रामा है। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ़ पेश कीजिए। किसी एक सैयारा या सितारा पर जज्वी या मुकम्मल साया पड़ता है तो उसे हम लोग ग्रहण कहते हैं। यानी कि किसी एक सितारा का किसी दूसरे सितारा पर आधा या फिर मुकम्मल परछाई जो पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। क्योंकि चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है और ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, इसीलिए चांद और ज़मीन के इस तवाफ़ के दौरान चांद का ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाजमी है। ऐसी सूरत में चांद का जज्वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है। ऐसे वाक़े को सूरज ग्रहण कहते हैं। और अगर सूरज चांद और ज़मीन के दरमियान आ जाए तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं, याद रखिएगा। अगर ज़मीन और चांद के बीच क्या आ जाए, सूरज आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग चांद ग्रहण लग गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। मकतूब निगारी के बारे में आप लोगों को बताना है, इसकी तारीफ़ करनी है। तो देखिए, जवाब में लिखा गया है कि मकतूब निगारी अदब की एक नसरी सिन्फ का दर्जा रखती है। ख़त को एक ज़ाती सरगर्मी का नाम दिया गया है। ख़त के ज़रिए एक दूसरे शख्स से राबता कायम किया जाता है। ख़त को निसफ मुलाकात भी कहा गया है, चूँकि इसके ज़रिए एक दूसरे के अहवाल से वाकफियत हो जाती है। यानी कि ख़त को जो है ना आधी मुलाकात भी कहा गया है, क्योंकि इसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे के हाल को जो है ना जान पाते हैं, एक दूसरे के हाल को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होगा, यानी कि होलनाक अंजाम। तो जवाब में लिखा गया है कि ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाने से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, पौधों का ख़त्म हो जाना, तूफ़ान, सैलाब और कहत का सामना जैसे हालात व हादसात का हम शिकार हो रहे हैं। यह तशवीशनाक अमर है, यही तशवीशनाक असरात कहलाएंगे आगे चलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, पूछा गया है सवाल कि अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। यहाँ पर अदब की पहचान जो मज़मून दिया गया है, इसके हवाले से आप लोगों को अदब की तारीफ़ करना है, अदब के बारे में आपको बताना है, वो भी नहीं तो मुख्तसर यानी कि शॉर्ट में। तो जवाब लिखा गया है कि एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है कि वह कितना अदबी है। बकौल अब्दुल मुगनी, लोगों का ख्याल है कि फ़लसफ़ा, मुआशियात, दीनियात और अखलाकियात, तारीख, तबियात वगैरह उलूम व फ़नून में मुख्तलिफ़ मौजूआत पर जो कुछ भी अदबियत के साथ लिखा जाए वह अदब है। वह क्या है, वो अदब है। मतलब यह कि अदब दर हकीकत एक असलूब, एक तर्ज बयान का नाम है। ठीक है, और अगर आप लोग को डीपली जानना है कि अदब किसे कहते हैं, तो ऑलरेडी अदब की पहचान नाम का ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, तुरंत आप लोगों को पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ अदब किसे कहते हैं। आप लोग सर्च कर सकते हैं अदब की पहचान, अदब की पहचान चैप्टर बाय मुस्कान मैम। और हाँ, मुस्कान मैम में MUSKAA रहेगा, AA। ठीक है, मुस्कान मैम। ठीक है, तो आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप लोग इस चैप्टर को कम्प्लीट कर सकते हैं। हालाँकि सारा चैप्टर कम्प्लीट कराया जा चुका है, तो अगर आप लोग चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें। और जितना भी क्वेश्चन आंसर अभी मैं आप लोगों को कराऊंगी, वो एक भी वीडियो आप लोगों को मिस नहीं करना है, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिएगा, हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँ। आज का ये वीडियो अच्छा लगा, जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया, अगर समझ में आया है, क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आया है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ठीक है, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।